नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पेश चौहान। चलिए आज ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, जिसे पाइल्स या फिर हिमोरॉइड्स भी कहा जाता है, या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम जिसे बवासीर भी कहते हैं। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एनल कैनाल की जो ब्लड वेसल्स है उसमें सूजन आ जाती है। अब ये सूजन की वजह से पेशेंट को काफ़ी दर्द महसूस होता है और उसी के साथ साथ एनल रीजन में जलन भी होती है और कुछ पेशेंट में इसे खून का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इसकी जो है दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स और दूसरा जो है एक्सटर्नल पाइल्स होता है। अब इंटरनल पाइल्स में जो है जो सूजन है वो एनल कैनाल के अंदर होती है, इसके वजह से पेन कई बार नहीं महसूस होता है इन कंडीशन में पेशेंट। लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स में जो सूजन है वो बाहरी हिस्से में होती है, बाहरी स्किन में होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी दर्द महसूस होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या लक्षण हमें इस कंडीशन में देखने मिलते हैं। पेशेंट को एनल रीजन में काफ़ी तेज दर्द होता है, उसी के साथ साथ जलन भी महसूस होता है, एनल रीजन में सूजन भी हमें देखने मिलती है। पेशेंट एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, कभी कभी पेशेंट को इंटरनल पेन भी महसूस होता है और उसी के साथ साथ जो है स्टूल पास करने के बाद ब्लीडिंग पेशेंट को नज़र आती है, जिसकी छींटे उन्हें कपड़ों पर भी नज़र आते हैं। अब कई बार पेशेंट क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे बॉवेल मूवमेंट होने के बाद, स्टूल पास करने के बाद जो है मुझे ब्लीडिंग नज़र आती है। अब हमने फिशर वाले वीडियो में देखा था कि स्टूल के साथ ही उसमें ब्लीडिंग नज़र आती है, और इस कंडीशन में स्टूल पास करने के बाद ब्लीडिंग नज़र आती है। ये इसका एक मुख्य सिम्टम है जो कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। अब बात करते हैं कॉजेस की। अब कॉजेस में अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन इसका एक मुख्य कारण हो सकता है, जिसकी वजह से एनल कैनाल की जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर की वजह से उसमें सूजन आ सकता है। उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी भी इसका एक कारण बन सकती है, जिसमें पेल्विक फ्लोर पर जो है पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती है उसकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें सूजन भी हमें देखने मिल सकता है। और सबसे मेन रीज़न जो है आज के टाइम पे पाइल्स का, तो लाइफस्टाइल, जिसमें कि एक ही जगह पर बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना और अनहेल्दी एक डाइट आप अपनाते हो, उसी के साथ साथ स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होना, इन सब के वजह से भी पाइल्स को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो अर्ली स्टेजेस में आप लाइफस्टाइल चेंज करके भी इसे ठीक कर सकते हो, जैसे कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, आपके डाइट में फाइबर रिच डाइट होना, उसी के साथ पानी ज़्यादा पीना, इन सब से भी ठीक हो सकता है। लेकिन सीवियर कंडीशन में आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि इन्फ्लामेशन और जो पेन कम करने वाली दवा से भी आप इसे ठीक कर सकते हो। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बार बार हो सकती है, तो इसे जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए होम्योपैथी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और इसे जड़ से ख़त्म करने में आपके लिए एक मददगार साबित हो सकती है। अब प्रिवेंशन की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल चेंज करना यही इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कि आप हेल्दी डाइट करें, उसी के साथ एक्सरसाइज और पानी अगर ज़्यादा पीते हो तो इन सब से भी आप इसे प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।